समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की संकल्पना को राज्य सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है। राजस्थान में किसानों और पशुपालकों के हित के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार अहम फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे बात करें किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने की, या फिर किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की या अनुदान देने की, या फिर लंपी महामारी से मृत दुधारू गोवंशीय जो पशु हैं वो पशुपालकों को 40,000 रुपये लंपी आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत देने की, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए लगातार अहम फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में सीतापुरा स्थित JCC में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में किसान प्रदेश भर के कोने कोने से आकर यहाँ बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। किसानों का हुजूम इस किसान महोत्सव में यहाँ पर उमड़ रहा है और जो कृषि से संबंधित नई विधाएं हैं, नए नवाचार हैं और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी मिल रही है। तो आज यहाँ पर मौजूद किसानों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्हें इस कृषि महोत्सव में, इस किसान मेले में आकर कैसा लगा और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। खेती पाती बीनती और घोड़ी का तंग अपने हाथ उधारिये लाज लोगों संग, खेती पाती बीनती नारायण का जाप करिए आप कहीं बेटो कहीं बाप, बैठ को भया को होता है बैरी, जीवन माँ का हाथ को होता है धैरी, जीणू भैंस को होता है शहरी और घी गाय को होता है शहरी और छाया मौका की होता है कैरी। मैं सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो धाना रहा हूँ। अरे किसाना के लिए बहुत सौ को काम करिए सागेड़ो मेड़ो मेल को और भरो तेल को, बहुत बढ़िया काम हुआ है और बहुत ही बढ़िया लगे है। अतः आदमी को मान लो सम्मेलन को या देखभाल आई की वह है एक बार प्रेम के सागे सागेड़ो है जो को देखे है और जो को लागियो भी है प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया। हमारा जो विद्युत का बिल है ये भी नहीं आ रहा, पहले भी नहीं आ रहा था, तो भी नहीं आ रहा, हमें राशन भी समय पर मिल रहा है और पेंशन भी मिलती है। इसके अलावा ये जो काम धेनु योजना है इसके अंदर भी हमने फार्म लगाया है, उसका भी मुझे आशा मिल जाएगा लाभ, ऐसी मुझे तो अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लिए धन्यवाद। अशोक जी गहलोत साहब ने अपने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया और खेतीबाड़ी में हर चीज़ में सहयोग अच्छे कर रहे हैं, पशुधन के बारे में और हर चीज़ के खेती में तारबंदनी में हर चीज़ के अंदर सहयोग अच्छा कर रहे हैं। बिजली 2000 यूनिट और प्रत्येक घर के अंदर 100 यूनिट बिजली वो भी फ्री दे दी। मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और गहलोत जी ने किसानों की जानकारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम 6 महीने साल भर में एक बार जरूर हो, जिससे किसानों को फसलों की जानकारी मिले और किसानों को उद्दान हो। राजस्थान की योजना तारबंदी की योजना हमें मिली है, 40,000 रुपये मिले हैं, उसकी सब्सिडी मिली है और कृषि अंतर दोनों का हमें सब्सिडी मिली है, इस प्लग और हेरा तोई का, और बहुत बढ़िया योजना चल रही है। एक ये ऊर्जा योजना चल रही है किसानों के लिए 2000 यूनिट वो भी हमें मिली है, और किसानों को ये फूड पैकेज वाली है वो भी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी। इसमें किसानों के लिए सभी योजनाएं हैं, जैसे मल्टी क्रॉप थ्रेसर वगैरह है, सीड ड्रिल है, इनके बाद नई टेक्नोलॉजियाँ वगैरह सभी है, फर्टिलाइजर वगैरह है। किसान को क्या क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे? किसानों के लिए सभी है इसमें, जैसे एक वो थ्रेसर वगैरह तो उसमें सभी क्रॉप्स के लिए है, उसमें सभी की हार्वेस्टिंग हो सकती है। मैंने देखा कि जैसे ट्रैक्टर की इनकी कई वैरायटीज दिखाई गई हैं और जैसे फल फूलों की काफ़ी दिखाई गई है, उनमें जैसे इंडस्ट्री का काफ़ी बताया गया है, जैसे बीज के बारे में बताया गया है किस तरीके का बीज है और इसमें और जो इनमें कीड़े लग जाते हैं उनके बारे में काफ़ी बताया गया है। तो किसान मेला ये किसानों के लिए किस तरीके से लाभदायक हो सकता है? ये लाभदायक हो सकता है, जैसे अभी कीटनाशक के बारे में यहाँ बताया गया, कीड़े कैसे लगे हुए हैं, कैसे लगते हैं इनके, क्या उपचार है इनका, ये सब कुछ बताया गया, इनसे काफ़ी जानकारी मिल रही है और लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी दिए गए इनको कि आप कैसे मतलब कॉन्टैक्ट करके आप फायदा ले जी। और राज्य सरकार की काफ़ी योजनाएँ भी हैं जो किसानों को संबल देने के लिए चलाई जा रही हैं, उसके लिए क्या करें जी? ये योजनाएँ बहुत अच्छी है और मेरा मन, जैसे अभी लंपी का आया था पर पशु 40,000 रुपये दिया गया है, जो भी पशु आपका ख़त्म हुआ है, जैसे गायों में था ये बेसिकली ये रोग, तो इनमें जो भी पशु ख़त्म हुआ है उसके लिए 40,000 रुपये। मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहेंगे? जी बहुत अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी, और जैसे अभी किसानों के लिए काफ़ी योजनाएँ ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार ने सब गायों भैंसों का बीमा किया और 7 प्रकार की योजना
बिजली और बिजली का माफ करने के लिए बोला, और जो गरीब आदमी है उनका भी घर के मकान बनाने के लिए बोला। मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसान मेला आज के लिए लगाया, सबसे ज्यादा मतलब योजना यही है, किसानों को फायदा मिला। ओके धन्यवाद। मुख्यमंत्री की जय हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसान महोत्सव में आए किसानों से हमने बातचीत की, जो इस मेले में आए किसानों को यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ जो कृषि से संबंधित नई तकनीकें हैं, नई जानकारियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पर पता चला। जादुन चौपालें यहाँ पर लगाई गई हैं, विशेषज्ञों द्वारा किसानों को तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है, किस तरीके से वो उन्नत कृषि कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी फसलों को कीटनाशकों से या नुकसान होने से बचा सकते हैं, इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो हैं वो किसानों को यहाँ पर मिली। और किसान और पशुपालक लगातार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का धन्यवाद जता रहे हैं, चाहे वो फिर इस महोत्सव के लिए हो या राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं किसानों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चालू की है, संचालित की जा रही है प्रदेश में, उनके लिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अश्विनी सरोगी, सुजसा।